हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग ठीक होंगे। एक और हाई रिक्वेस्टेड वीडियो के साथ हाजिर है आप लोगों की नेश्वर पूजा। तो देखिए, ढेर सारे कमेंट्स थे मेरे वीडियोस पर कि मैं, मुझे बहुत ज़्यादा घुटनों का दर्द होता है, मुझे बहुत ज़्यादा बैक पेन होता है, बहुत ज़्यादा शोल्डर में होता है, बहुत ज़्यादा बॉडी में होता है, कुछ भी काम करती हूँ काम करने का दिल नहीं करता, हर समय मुझे चिड़चिड़ापन लगता है और मेरे बहुत ज़्यादा सर में दर्द बना रहता है। मेरे को अंदर से ऐसी फीलिंग आती है कि मेरे अंदर बहुत ज़्यादा कमजोरी है। तो इसका आप हमें कुछ घरेलू उपाय बताइए। तो आज मैं जो आपको बताने जा रही हूँ बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है। तो ये सारे लक्षण जो होते हैं कैल्शियम की कमी की होते हैं, मतलब आपकी बॉडी के अंदर है कैल्शियम की कमी। और इसे किस तरीके से पूरा किया जाता है मैं आपको एक ड्रिंक बताऊंगी, बहुत ही आसान तरीका बताऊंगी। और इस टॉपिक पर मैंने पहले भी एक वीडियो अपलोड की थी, उसमें भी मैंने आपको बहुत ही अच्छी एक ड्रिंक बताई थी, आप उसे भी ज़रूर देखना। उसके बाद भी आपके कमेंट्स आए थे कि मैम एकदम आसान तरीका हमें बताना। तो देखिए, सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि इस ड्रिंक को आपको किस तरीके से तैयार करना है। तो देखिए, इस दूध को बनाने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी एक गिलास दूध की। तो मैंने यहाँ पे काउ मिल्क लिया है, अगर आप चाहते हो तो इसकी जगह फुल क्रीम भी ले सकते हो। जब दूध उबलने लगा तब मैंने इसमें डाले हैं मखाने। आप मखाने की क्वांटिटी अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हो। एक चम्मच मैंने इसमें डाले हैं सफ़ेद तिल। डालने के बाद इन सबको मुझे अच्छे से मिला देना है। जब इनको मिला देना है और आपको ऐसा लगे कि हमारा जो दूध है बहुत ही अच्छे से उबलने लगा है, तब आपको गैस को एकदम धीमी आंच पे कर देना है, एकदम स्लो फ्लेम पे। करने के बाद आपको इसे कंटिन्यू चलाते रहना है और इसे पकने में कम से कम आपको लगेंगे 10 मिनट। 10 मिनट तक आपको इसे धीमी आंच पे ही पकाना है, जिससे जो मखाना है और तिल है इन सब का इफेक्ट इसके अंदर आ जाए। जब आपको 10 मिनट हो जाएंगे तो जो दूध है उसकी क्वांटिटी हल्की सी कम हो जाएगी और दूध हमारा बहुत ही ज़्यादा गाढ़ा हो जाएगा। तो देखिए, इसमें उबाल आ चुका है, गैस को मैंने कर दिया एकदम स्लो फ्लेम पे। अब मैं इसे 10 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ देती हूँ। तो देखिए, 10 मिनट के बाद जो मेरा दूध है थोड़ा सा कम हो गया और गाढ़ा भी हो गया। अब मैं इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देती हूँ और ठंडा होने के बाद मैं आपको बताऊँगी कि इसे आपको किस तरीके से पीना है और कैसे अपनी डाइट में शामिल करना है। फ्रेंड्स, आपने इसे बनाना सीख लिया कि आपको इस दूध को किस तरीके से तैयार करना है। मैंने आपको तैयार करने का बहुत ही अच्छा तरीका आपको बता दिया है। अब मैं आपको बताती हूँ इसे लेने का पीने का सही तरीका क्या है। तो देखिए, आपको क्या करना है, आपको इस दूध को पीना है या तो मॉर्निंग में पीना है। अगर आपको ऐसा लगे कि नहीं, मॉर्निंग में आप दूध पीते हो, आपको लूज मोशन की शिकायत होती है, आपको कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, तो आप इस दूध को पी सकते हो नाइट में। जब आप सोने के लिए जाते हो ना, तब आपको पीना है, मतलब अपना खाना पीना खा के डिनर करके, और आपको ऐसा लगे अब आपको कुछ नहीं करना सिर्फ सोना है, तब आप, अगर आप डिनर भी करते हो तो डिनर के कम से कम 2 घंटे के बाद आपको इस दूध को पीना है। 2 घंटे गैप नहीं ले सकते, तो 1 घंटे का गैप तो आपको लेना ही होगा, उसके बाद आपको इस दूध को पीना है। दूध को पीने का तरीका क्या है, आपको क्या करना है, जो इसके अंदर मैंने क्या क्या डाला है, सफ़ेद तिल डाला है और डाला है मखाना, इन दोनों को आपको चम्मच से निकालना है। और सबसे पहले तो आपको इन दोनों को अच्छे से चबा चबा के खाना है। तो देखिए ऐसे, जब इसके अंदर आप इन्हें डालोगे, अच्छे से उबालोगे, तो काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएंगे, आपको चबाने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। चबाने के बाद सब कुछ तो आपको ऊपर से दूध पी लेना है। इस तरीके से आपको इसका सेवन करना है। तो इसको पीने का, लेने का तरीका मैंने आपको बता दिया। आपने सब कुछ ट्राई कर लिया लेकिन आपको समझ में नहीं आ रहा कि मैं ऐसा क्या खाऊं, क्या करूं जो मेरी बॉडी पहले जैसी हो जाए। आपको बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन होता है, मान लीजिए आप कुछ काम कर रहे हो, काम करने में आपका बिल्कुल भी मन नहीं लगता, दिल नहीं लगता, हर समय चिड़चिड़ापन आपको लगता है। आपकी जरा सी बात पे कोई कुछ बोल देता है, आपके सर दर्द होने लगता है, आपको उस पर गुस्सा आने लगता है, बेवजह चिड़चिड़ापन आने लगता है, काम करने का दिल नहीं लगता, आपका हर समय बैक पेन होता रहता है। आप जरा सी देर कहीं के लिए बैठ जाते हो और उसमें आपको ऐसा महसूस होने लगता है कि मेरी बैक में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, आपको सर दर्द होता है, आपको शोल्डर में दर्द होता है, आपकी पूरी बॉडी में दर्द होता है, आपके हाथ पैरों में दर्द होता है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है आपकी बॉडी के अंदर कैल्शियम की कमी है। और इसे कैसे पूरा किया जा सकता है, जब आप अच्छी डाइट लोगे तब। तो आपको मैंने बहुत ही बेहतरीन तरीका बताया है, ये दोनों ही हमारी कैल्शियम की कमी को पूरा करने में हमारी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करते हैं। तो जैसे मैंने बताया है उसी तरीके से आपको इस दूध को अपनी डाइट में शामिल करना है। और देखिए, सबसे अच्छी बात इसकी ये है कि मेरे पास बहुत ज़्यादा कमेंट्स ये भी आते हैं कि मैम मेरा छोटा बच्चा है, 5 साल का है, 6 साल का है,
कोई कहता है 8 साल का है, उसके बहुत ज़्यादा पैरों में दर्द होता है, बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, तो उसका कुछ उपाय हमें बताइए। तो देखिए, आप इस दूध को बना के अपने बच्चों को भी दे सकते हो। अभी आप जानते हो ना, रेनी सीजन ख़त्म होने वाला है, 1-2 महीने में अब स्टार्ट हो जाएगी हमारी सर्दियाँ, तो सर्दियों में ये दूध आपको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा। अगर आप इसे पियोगे, अपनी फैमिली को, अपने बच्चों को पिलाना, तो बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा। इसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपकी बॉडी के अंदर उसका साइड इफ़ेक्ट हो। आपके ढेर सारे कमेंट्स मुझे ये भी आते हैं कि मैम, आपने जो जो बोला मैंने सब कुछ किया। आपने बोला हेयर पैक लगाओ, मैंने लगाया। आपने बोला ये वाला शैम्पू यूज़ करो, मैंने किया। आपने बोला कि इस तरीके से अपने बालों में ऑयलिंग करो, मैंने की, लेकिन मेरा जो हेयर फॉल है वो बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं हो रहा। अगर ये सब कुछ करने के बाद भी आपका हेयर फॉल कंट्रोल नहीं हो रहा, तो इसका मतलब है आपकी बॉडी के अंदर कैल्शियम की कमी है। और कैल्शियम की कमी को कैसे पूरा किया जाता है, अभी मैंने आपको ड्रिंक बनाना बता ही दिया। आपको इसे बना के और डेली ही पीना है, अपने बच्चों को भी पिला सकते हो, आप खुद भी पी सकते हो। अगर आप इस दूध को डेली पियोगे, रोजाना आपको पीना है, नाइट में पीना है, या फिर खाली पेट भी पी सकते हो जैसे मैंने बताया है, तो आप देखोगे आपकी बॉडी के अंदर कैल्शियम की कमी पूरी हो जाएगी। जब आपकी बॉडी के अंदर कैल्शियम की कमी नहीं रहेगी, तो उसका उसके बाद आपको जो रिजल्ट मिलेगा, इसका क्या मिलेगा कि आपका हेयरफॉल हमेशा के लिए कंट्रोल हो जाएगा। जब सब कुछ ट्राई करने के बाद भी हमें कुछ किसी भी चीज़ में आराम नहीं होता, तो इसका मतलब होता है हमें उसकी जड़ पे जाना चाहिए कि ऐसा हो क्यों रहा है। तो देखिए, ऊपर से केयर करना मैं आपको बताती हूँ, लेकिन अंदर से भी केयर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अंदर से अपने बॉडी में जो कैल्शियम की कमी है, उसे आप पूरा करने के लिए इस ड्रिंक को बना के आज से ही पीना शुरू कर दीजिए। और सबसे अच्छी बात इसकी ये है कि आप इसे अपने बच्चों को भी पिला सकते हो। आपके बच्चों की उम्र कोई भी है, 5 साल से ऊपर आपके बच्चे हैं, तो इस दूध को बना के अपने बच्चों को भी आप जरूर पिलाएं। अगर आपके बच्चों की 5 साल से ऊपर की उम्र है, तो आप क्या करें, इनकी क्वांटिटी थोड़ा सा कम रखें। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिया था तिल लिया था, तो तिल की क्वांटिटी आप 1/4 चम्मच या फिर उससे भी थोड़ी सी कम रख सकते हो। और जो मखाने हैं, गिन के आप 4 या 5 मखाने ले सकते हो, और 1 गिलास या फिर 1/2 गिलास आपका बच्चा दूध पीता है, तो उसके अंदर अच्छे से इन्हें उबाल के ठंडा करके अपने बच्चों पिलाए और इन्हें खिला दे, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप इसको अपनी डाइट में शामिल करोगे, तो आपकी कैल्शियम की कमी हमेशा के लिए पूरी हो जाएगी। और देखिए, आपके ढेर सारे कमेंट्स मेरे पास आते हैं कि मैम, स्किन टाइटनिंग के लिए कुछ बताइए। आपने वो वाला पैक बताया, लेकिन मुझे तो उससे कुछ भी रिजल्ट नहीं मिला। मेरे आंखों के आसपास का जो ये वाला एरिया, यहाँ पे बहुत ज़्यादा रिंकल्स है। मेरी उम्र 25 है, 24 है, जो भी है, लेकिन जो मेरी उम्र है, मेरी उम्र से ज़्यादा मुझे नज़र आती है। सब लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं, ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आप अपनी स्किन की केयर नहीं कर रहे। आपको ये भी पता होना चाहिए कि आप ऊपर से तो स्किन की केयर कर रहे हो, लेकिन अंदर से आप कुछ भी जो आपको डाइट लेनी चाहिए वो आप नहीं ले पा रहे। मतलब आपको पता ही नहीं चल रहा कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो देखिए, ये भी कैल्शियम की कमी से ही होता है। जब टाइम से पहले झुर्रियाँ आना स्टार्ट हो जाती है ना, तो आपकी बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा कैल्शियम की कमी है। तो इसे पूरा करने के लिए आपको क्या करना है, इस ड्रिंक को बनाना है और डेली आपको इसे पीना है। आप ऐसा करोगे तो आपकी जो झुर्रियाँ ना, ये कंट्रोल रहेंगी, उम्र से पहले नहीं आएंगी। उम्र पर तो आएंगी, लेकिन उम्र से पहले नहीं आएंगी। तो आप अपने चेहरे पर एकदम नेचुरल ग्लो लाना चाहते हो, अपने बालों को एकदम काला घना और मजबूत बनाना चाहते हो, तो आपको इस ड्रिंक को बना के पीना होगा। हैरान हो जाओगे देख के कि एक ड्रिंक पीने से ही मेरी जितनी भी परेशानियां थी, जिससे मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी या परेशान था, तो सारी परेशानी मेरी तो जड़ से ख़त्म हो गई। आपको इसे डेली बना के पीना होगा। और इसका कुछ ऐसा नहीं है कि आप इसे 2 दिन पिए, 3 दिन पिए, मैं तो कहूँगी आप इसे डेली पिए। अभी जो सर्दियों का सीजन आने वाला है, उसमें आप इसे डेली बना के पीना, आपकी बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदे मंद रहेगा। अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करना, और अपने सेकंड चैनल का लिंक दे दिया है मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में, तो आप एक बार वहां पर जरूर चेक करना। आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पर जरूर फॉलो कर लेना, मेरी इंस्टाग्राम आईडी है नेचुरल पूजा। तो फटाफट से इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लीजिए, वहां पर भी मैं अपनी पुरानी नई जैसी भी है, अपनी फैमिली के साथ जो भी मेरी पुरानी पिकअप बहुत ज़्यादा वहाँ पे मैं शेयर करती रहती हूँ। ऐसी ही प्यारी सी वीडियो के साथ आप लोगों से बहुत ही जल्दी से मुलाकात होगी। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखना। बाय, टेक केयर।